आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संसद में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा इमरजेंसी संविधान को कुचलने का पाप था और ये दाग कभी नहीं मिटेगा। दिग्विजय ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, कहा जिसने दंगों पर माफी नहीं मांगी वह सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मासूम के साथ दुष्कर्म, लहूलुहान हालत में मिली बच्ची की स्थिति नाजुक, फिर सामने आई पुलिस की लापरवाही। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज का निधन, हरिद्वार में भारत माता मंदिर के थे संस्थापक। और नक्सली महिलाओं का नक्सलवाद से मोह भंग, बड़े नक्सलियों के शोषण का होती थी शिकार, अब लौट रही मुख्य धारा में। नमस्कार, मैं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर बहस हुई और पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा इमरजेंसी संविधान को कुचलने का पाप था और ये दाग कभी नहीं मिटेगा। पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कल कांग्रेस नेता गिना रहे थे कि किसने किया, 25 जून है बताओ, देश में आपातकाल किसने लगाया, जब देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, देश की मीडिया को दबोच दिया गया था, हिंदुस्तान को जेलखाना बना दिया गया था सिर्फ इसीलिए कि किसी की सत्ता ना चली जाए। पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है वह उसका जीता जागता उदाहरण है। आज हम 25 जून को लोकतंत्र के प्रति अपना समर्पण फिर एक बार देना होगा। संविधान को कुचलने का पाप कोई भूल भी नहीं सकता, यह दाग कभी मिटने वाला नहीं है। इस दाग को बार बार याद करना चाहिए ताकि फिर से कोई ऐसा पैदा ना हो सके जो इस रास्ते पर जाए। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व समझाने के लिए इसे याद करने की जरूरत है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है ताकि देश में फिर कैसे किसी को ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था ये स्मरण कराना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के पहले मरने का मिजाज था और आजादी के बाद देश के लिए जीने का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्रपति की अपेक्षा को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटा सोचना मुझे पसंद नहीं है, 125 करोड़ देशवासियों के सपने अगर पूरे करने हैं तो मुझे छोटा सोचने का अधिकार भी नहीं है। मोदी ने कहा कि सदन में कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी गलती हम नहीं करते। हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, हम अपनी लकीर लंबी करने में जीवन खपा देते हैं। आप इतने ऊंची चले गए कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आपका और ऊंचा होना मेरे लिए संतोष का विषय है क्योंकि आप जमीन खो चुके हैं। हमारा सपना ऊंचा होना का है, जड़ों की गहराई में जुड़ने का है ताकि देश को कोई और मजबूती दी जा सके। आपको अपनी ऊंचाइयां मुबारक हो। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर बीते दो दिनों से बहस जारी है। मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दंगों में मारे गए 2500 लोगों पर माफी मांगने को तैयार नहीं हुआ वो आज सबके विश्वास की बात कर रहा है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2014 का सबका साथ सबका विकास 2019 आते आते उसमें विश्वास जुड़ गया है। दिग्विजय बोले कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के इफ्तार पार्टी में जाने को राजी नहीं था वो आज अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने की बात कर रहा है। जिस व्यक्ति ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया, केंद्र सरकार की योजना को लागू करने से मना कर दिया, वे विश्वास की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री में क्या ये परिवर्तन सच में है या सिर्फ एक जुमला ही है। देश में आज सांप्रदायिकता का जहर कूट कूट कर भर दिया गया है, अब इसे वापस निकालना आसान नहीं है। आप विश्वास की बात कर रहे हैं लेकिन आपके समर्थक झारखंड में एक व्यक्ति को मार रहे थे, भले ही उसने चोरी की थी लेकिन उसे कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए थी। जिस दंगों में 2500 लोग मरे हो उसकी माफी मांगने तैयार नहीं था। जो व्यक्ति टोपी पहनने में तैयार नहीं था, जो व्यक्ति केंद्र सरकार का मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में तैयार नहीं था, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए भी राष्ट्रपति जी के रोजा अफ्तार में जाने के लिए तैयार नहीं था, वो आज सबसे पहले भाषण में कहते हैं हमें अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करना, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। कांग्रेस सांसद बोले कि लोकसभा में आज जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। आज देश में ऐसे नेता सामने आ रहे हैं जो हिंदुओं को भड़काते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं, ये चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन ले जाने का दावा कर रहे हैं लेकिन अर्थव्यवस्था का आज बुरा हाल हो गया है। धोखे के साथ गलत आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोलकाता एसटीएफ ने नियोज जमात उल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी संगठन बांग्लादेश से संचालित होता है। यह आतंकी संगठन ISI से भी जुड़ा है। इस आतंकी संगठन का ढाका में होली क्रिश्चियन बेकरी हमले में भी हाथ बताया जा रहा है। नियो जेएमबी आतंकी संगठन जेएमबी से टूटकर बना है जो फिलहाल ISIS के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पकड़े गए आतंकियों में से 2 की पहचान मोहम्मद जियाउर रहमान और मोमेनूर रशीद के तौर पर है। दोनों ही बांग्लादेशी नागरिक है। ये आतंकी कोलकाता से सिलदाह रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए हैं। इन आतंकियों से मोबाइल मिला है जिसमें फोटो वीडियो के साथ ही जिहादी टेक्स्ट मौजूद है। इसके अलावा जिहादी साहित्य भी मिला है। वहीं 2 अन्य आतंकी मोहम्मद साहिन आलम और रोबियुल इस्लाम को हावड़ा स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। आलम बांग्लादेशी नागरिक है, वहीं इस्लाम बंगाल के वीरभूम जिले का ही रहने वाला है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। खून से लथपथ हालत में मिली इस बच्ची की स्थिति ठीक नहीं है, इसे इलाज के लिए जबलपुर भेजा गया है। इस मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद भी दुष्कर्म और रेप की वारदातों पर काबू नहीं पाया जा सका है। नरसिंहपुर स्टेशनगंज थाने से चंद कदम दूर जिला जेल के सामने मैदान में अपने परिजनों के साथ सो रही 5 वर्षीय बालिका को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता खून से लथपथ हालत में मंगलवार की सुबह अंडरब्रिज के पास एक पेड़ के नीचे मिली, जिसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया जहाँ उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम में स्टेशनगंज पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है कि सोमवार की रात जब बालिका गायब हुई तो परिजन थाने में शिकायत सुनाने पहुंचे थे लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इस लापरवाही पर पुलिस अधीक्षक ने थाने में एक प्रधान आरक्षक शम्मी लाल गौड़ को सस्पेंड कर दिया है। जिला जेल के सामने मैदान में डेरा लगाकर भिक्षावृत्ति करने वाले कुछ परिवार रहते हैं, जिनमें से एक परिवार की 5 वर्षीय बालिका सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे अचानक गायब हो गई। परिजनों ने जब अपने पास सोई बालिका को नदारद पाया और उसकी खोजबीन करने के बाद स्टेशनगंज थाना जाकर सूचना दी लेकिन रात में वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने बालिका के परिजनों की बात को गंभीरता से नहीं लिया। सुबह जब पेड़ के नीचे बालिका गंभीर हालत में देखी गई तो किसी ने एम्बुलेंस को सूचना दी। सुबह एक छोटी बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक जेल ग्राउंड के सामने एक
डेरे में ये परिवार रहता है और उनका उनके मुताबिक रात में बच्ची रात में गायब हुई, उन्हें पता नहीं लगा सो रहे थे और सुबह जब बच्ची मिली तो बच्ची से चोट लगी थी और ब्लीडिंग हो रही थी, उनको अस्पताल लेकर आए। अभी बच्ची को प्राथमिक उपचार करके जबलपुर रेफर किया गया है और बताया जाता है कि मौके पर एम्बुलेंस पहुंचने के बाद भी थाने से चंद कदम दूर घटना स्थल की जानकारी से पुलिस अनभिज्ञ रही। बाद में जब बालिका को लिए एम्बुलेंस तक पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी देकर जिला अस्पताल तरफ दौड़ी तो पुलिस की नींद खुली और कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों तक सूचना भेजी। पीड़िता के जिला अस्पताल पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने अस्पताल जाकर पीड़िता की हालत देखी और घटनास्थल की जांच शुरू की। मामले में अब तक यह खुलासा नहीं हो सका है कि यह सब करने वाला हैवान कौन है। भारत माँ के परम आराधक निर्वृत्त जगत गुरु शंकराचार्य पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का मंगलवार को निधन हो गया। आज सुबह वह अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। सत्यमित्रानंद जी हरिद्वार में भारत माता मंदिर के संस्थापक भी थे। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी का जन्म 19 सितंबर 1932 में उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम अंबा प्रसाद था। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के निधन का समाचार मिलते ही संत समाज सहित हिंदू समाज में शोक की लहर छा गई। वह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को लेकर भी काफी मुखर रहे हैं। नवंबर 2018 में भी उन्होंने कहा था, अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का में वेटिकन सिटी या किसी अन्य तीर्थ में बनेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के अनेक प्रमाण मिल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पुरातत्व विभाग से भी यह साबित हो गया है कि अयोध्या में मंदिर था, क्योंकि वहाँ आम्र पल्लव कलश व मूर्तियां मिली थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम पक्ष मंदिर के लिए बड़प्पन दिखाएगा तो मस्जिद बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता होगी वे माता भारत माता के मंदिर की तरफ से उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले एक अरसे में बड़ी संख्या में महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये महिलाएं बड़े नक्सलियों के शोषण का शिकार होती रही है, लेकिन अब पुलिस के प्रयासों से ये महिलाएं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हैं। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा घोर नक्सल क्षेत्र है। इस इलाके में नक्सलियों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। अब पुलिस का इस इलाके में दबाव बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए कई नक्सलियों ने समर्पण किया है। इन क्षेत्रों में महिला नक्सलियों की संख्या ज्यादा है और बड़े नक्सली नेता महिलाओं का शोषण करते आए हैं। नक्सलियों ने महिलाओं की नसबंदी करा दी है ताकि वे बच्चे पैदा ना कर सके। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर दंतेवाड़ा में 100 से ज्यादा महिला नक्सलियों ने समर्पण किया है। नसबंदी की जानकारी पुलिस को लगी तो सभी महिला की नसबंदी ऑपरेशन के द्वारा खुलवा दी गई और महिलाओं की शादी भी करवा दी गई है। अब यह महिलाएं अपने परिवार और बच्चों के साथ यहां अपने बेहतर जीवन जी रही हैं और पुलिस की नौकरी भी कर रही हैं और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही हैं। दंतेवाड़ा में जिन सरेंडर करने के बाद नक्सलियों को पुलिस डिपार्टमेंट में और सिविल डिपार्टमेंट में लगातार नौकरियाँ दी जा रही हैं। केवल दंतेवाड़ा पुलिस में कम से कम अभी 100 के करीब सरेंडर कार्डर हो चुका है। इनको देख के जो बाकी नक्सली हैं वो भी धीरे धीरे करके आके सरेंडर हो रहे हैं। निश्चित रूप से इनका परिवार बन पा रहा है। काफ़ी लोगों के नसबंदी का ऑपरेशन हो गया था, उनका नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाया गया, काफ़ियों के बच्चे हो गए हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी जो है दोनों लोग कमा रहे हैं, इनकी अच्छी सैलरी मिल रही है। तो इनके लाइफस्टाइल जो बदला है उसको देख के बाकी नक्सली मुख्यधारा में आने की इच्छा रख रहे हैं और धीरे धीरे करके आ रहे हैं। इस इलाके में पुलिस का एक अन्य चेहरा भी है। नक्सली महिलाओं को समर्पण करने के बाद पुलिस और सिविल में नौकरियां दिलवाई जाती हैं, इनकी शादियां करवाई जाती हैं। बाकी नक्सली को इन जब मुख्यधारा में देखते हैं तो वे भी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इन नक्सलियों के परिवार भी बन गए हैं। इनकी शादी होने के बाद बच्चे भी हैं और स्कूल पढ़ने भी जा रहे हैं। समर्पण करने के बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादे से मुकर गई है। अतिथि शिक्षकों को कांग्रेस ने नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्हें हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मसले को लेकर इन शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले में धरना दिया। अतिथि शिक्षक खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले इन्हें नियमित करने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादे से मुकर गई है। स्कूली शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के आवास के अंदर अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अतिथियों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अभी आयुक्त मैडम ने एक आदेश निकाला है कि मेरिट पे आधार पे भर्ती की जाए। पहले क्या होता था, अतिथि शिक्षक पिछले 10-12 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। पहले प्राथमिकता हमें मिलती थी पूर्व अतिथि को, जो कि हम अनुभवी है इसके आधार पर। मैडम ने क्या करा कि 3,68,000 नए पंजीयन कर लिए और हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का वो कर लिया प्लान पूरा, जबकि वचन पत्र में कांग्रेस ने लिया था कि 3 महीने में अतिथियों को नियमित किया जाएगा। यहाँ 3 महीने में हमें रोजगार से ही वंचित कर दिया, जबकि शिक्षा मंत्री महोदय ने आयुक्त मैडम को फोन लगाया तो आयुक्त मैडम बोलती कि मैं नहीं मानती हूँ, मैं तो मेरिट के आधार पर भर्ती करूंगा। तो ये नौकरशाही लोकतंत्र पे हावी कैसे हो रही। एक बाबा ने समाधि लेने का ऐलान कर दिया और समाधि लेने के लिए बैठ गए, लेकिन जब तय समय पर बाबा समाधि नहीं ले पाए तो उनके भक्तों में ही कानाफूसी शुरू हो गई। समाधि स्थल वाले घर के बाहर मजमा लगाकर बैठ गए और लोगों ने बाबा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को काबू में रखा। बालाघाट जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर हट्टा डूंडा सिवनी में कबीर पंथ के संत सुबोध दास उर्फ मंगल दास समाधि लेने के लिए बैठ गए। उनका कहना है कि वे मानव कल्याण के लिए समाधि ले रहे हैं। यह जानकारी जैसे ही उनके भक्तों को लगी तो घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। संत के प्राण त्यागने में हो रही देरी से धीरे धीरे भक्त नाराज होने लगे। SDOP नितेश भार्गव ने बताया कि उन्हें पता है कि संत अपने प्राण त्याग रहे हैं। बाबा ने उन्हें बताया था कि उनके गुरु सपने में आए तो उन्होंने कहा था कि 10:15 पे उनके प्राण जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने भक्त के घर पर ध्यान लगाया है। इस दौरान भक्तों की आस्था बदल गई। उन्हें लगा कि समाधि लेने की बात के बाद बाबा कहीं भाग ना जाए, इसीलिए घर पीछे के दरवाजे पर लोगों ने डेरा डाल दिया। अब पुलिस भक्तों को समझाने का प्रयास कर रही है, वही लोग ढोंगी बाबा के नारे लगाते रहे। प्रदेश में बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रीवा में गांव के ही युवक द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर 3 नाबालिग बहनों के साथ जमकर मारपीट की गई। तीनों बहनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराधों का गढ़ बन रहे रीवा में अब लड़कियां सुरक्षित नहीं रही। रीवा जिले के जवा थाने के शीतला गांव में 3 नाबालिग बहनों को गांव के ही युवक फिरोज खान ने छेड़खानी का विरोध करने पर जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि लड़कियां घर के बाहर टहल रही थी, तभी फिरोज खान ने घटना को अंजाम दिया। तीनों बहनों का गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद परिवार सदमे में है। बच्चियों की मां का प्रयागराज में इलाज चल रहा था। बच्चियां घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर युवक छेड़खानी करता था। पुलिस का लचर रवैया एक बार फिर सामने आया। बताया जा रहा है कि कोई भी महिला पुरुष पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार के साथ अस्पताल नहीं आया। रीवा में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं के प्रदेश सरकार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। छेड़खानी करे के बाद ऊपर जैसे छत में चढ़े वैसे हम पाए गए हैं, तो हमारे अंदर नहीं करयास करे पानी, बाकी पूरा मुसलमान लग के हमका मारा कर है। अब मारे के बाद हम लोग भर्ती एडमिट रहे हैं, तो हुआ से हमका फोन पहुँचा था, हुआ से गिरत बरतान धनिया आया तो बिटिए हमारा बिल्कुल बेहोश। बाप को मारे हैं, बाप के सारी गाय फट गई, बिटिए हमारे तीनों बेहोश हैं। अब हमारे सास ससुर पूरा बेहोश हैं उनके छेड़खानी के कारण। अंदर पूरा मुसलमान, हमारे लड़की 3 है रामन पर। सुर्खी पुलिस ने बाइक सवार 2 तस्करों से 6 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। ये तस्कर बड़े शहरों से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में सप्लाई किया करते थे।
सुर्खी थाना प्रभारी जेपी ठाकुर को मुखबिर से जानकारी मिली कि बाइक सवार दो व्यक्ति बमहोरी से सुर्खी की तरफ गांजा लेकर सप्लाई करने जा रहे हैं। पुलिस टीम ने नाकाबंदी करते हुए सुर्खी नरसिंहपुर फोर लाइन पर एक ढाबे के पास से बाइक सवार अनिल तिवारी और आशीष डांगी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को जैसे ही उन्हें पकड़े जाने का आभास हुआ तो वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें धर दबोचा। उनके पास एक बोरी में गांजा रखे पाए गए, उनके नाम पते पूछे। एक ने अपना नाम अनिल तिवारी वेरखेड़ी गुरु, दूसरे ने अपना नाम आशीष डांगी वेरखेड़ी गुरु ग्राम के बताए। इनके कब्जे से तलाशी लेने पर 6 किलो 500 ग्राम गांजा कीमती 97,500 रुपये का और 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल प्लेटिना जिसका नंबर है MD15ME9376 है। कुल कीमती 1,30,000 रुपये का आरोपियों से जब्ती मोबाइल एवं गांजा जब्त किया गया। प्रतिवर्ष जब्ती कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों को चारों तरफ से घेर लिया था जिससे वे भागने में सफल नहीं हो पाए। उनके पास से एक बोरे में 6 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया जिसकी कीमत लगभग 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों की बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। रीवा के शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक में दुकान में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। आग लगने से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक की 2 दुकानों में आग लग गई। आग की लपटें निकलती देख वहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान मालिकों ने बताया कि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है। पुलिस के अनुसार समय से सूचना मिलने के बाद हादसा होने से बच गया, नहीं तो आग की लपटें फैलने पर आसपास के कई और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। सुबह मेरे को कॉल गया, यहाँ से फ़ोन गया, तो मैं 4 बजे सुबह घर से निकला और यहाँ आया तो मेरी दुकान में आग लगी थी। बहुत सारी दुकानें मेरी पूरी जल गई, खाक हो गई है। मैं दुकान कर्जे से लिया था और कर्जे में ही डूबा था। उसी तरह से मैं चला रहा था, अपने बाल बच्चों का इसी से पोषण कर रहा था। सारी मशीनें कुर्सी जितनी भी सामान था सब जल के खाक हो गया है। और कर्जा लिए थे हम, मार्केट से कर्जा कुछ लिए थे और बहुत सारा मेरा नुकसान हो गया सर। इस बाजार में 2 से 3 मंजिला इमारतें हैं, लेकिन आग से बचाव और सुरक्षा के पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। नगर निगम सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उदासीन रवैया अपना रखा है। अग्निशमन यंत्र को लेकर सभी जगह लापरवाही देखी जा रही है। स्थिति यह है कि शहर की अधिकांश इमारतों में अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं है। जहां ये यंत्र लगे हैं वहां भी मानकों को पूरा नहीं करते। इस तरह की स्थिति शासकीय एवं प्राइवेट दोनों तरह की इमारतों में देखी जा सकती है। मोबाइल टीवी पर हॉरर सीरियल या मूवी देखना बच्चों के लिए कितना घातक होता जा रहा है। हॉरर सीरियल देखने के बाद एक 12 साल की बच्ची के फांसी लगाकर जान देने की दर्दनाक घटना सामने आई है। हॉरर सीरियल देखने के बाद फांसी लगाकर जान देने की घटना से क्षेत्र में लोगों में सनसनी फैल गई। घटना छतरपुर के ईशान नगर थाने के पनौठा गांव की है, जहां एक 12 साल की बच्ची ने हॉरर सीरियल देखने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। घटना उस समय हुई जब 12 साल की अंजलि के माता पिता बाजार गए हुए थे। घर पर अंजलि और उसकी एक छोटी बहन थी। मोबाइल टीवी पर हॉरर सीरियल देखने के बाद अंजलि तौलिए का फांसी का फंदा बनाकर झूल गई। बहन को फांसी पर झूलते देख छोटी बहन बाहर आई और पड़ोस के लोगों को बताया, लेकिन तब तक अंजलि की मौत हो चुकी थी। तो हम दोनों अभी गए थे बाजार, तो 3 बजे के 2:45 से यहाँ से निकले हैं, छतरपुर पहुँचे, उधर से आए हैं 6 बजे के करीब। यहाँ आके देखा हमने तो हमारी लड़की बोली कि फांसी लगा ली, और गाँव के भी बोले बच्चे, हम बाहर आए घर से तो बोले बच्ची फांसी लगा ली। तो हमने अपनी बच्ची से पूछा कैसे कैसे हुआ, यही थी। तो इसने बताया कि भूत भूत का हम लोग नाटक खेल रहे थे, तो बोलती मैं भूत बनूंगी, ये बोली छोटी वाली लड़की, मैं बोलती है मैं बनूंगी, बोलती मैं बनूंगी। तो उसने गले में फंदा लगाया, ऐसे बताया हम लोग को कैसे लगाया दीदी ने, और ऐसे उसने बांधा, बाल्टी रखी हुई थी तो जब उसने लगा के लटक गया वो, तो बाल्टी खिसक गई।
पुलिस ने अंजलि का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है। घटना के बाद से ही परिवार सदमे में है, लेकिन यह खबर सीख देने वाली है कि मोबाइल पर सीरियल या फिर गेम देखकर बच्चे किस हद तक विचलित हो सकते हैं। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें मोबाइल गेम के चलते कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में परिजनों को बच्चों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। ये थाना ईसागर छतरी घटना है। इसमें 12 वर्षीय बालिका है, उसकी मृत्यु हुई है। उम्र कायम किया गया, जांच की जा रही है। इसमें जो प्राथमिक तौर पर जो तथ्य आए हैं उसमें ये 12 वर्षीय जो बालिका है अपनी छोटी बहन जो लगभग 6 वर्ष की है उसके साथ में खेल रही थी, गमछे से गले में झटका लगने से उसकी मृत्यु हुई है। और जो प्राथमिक जाँच है उसमें खेलते खेलते ही ये घटना घटित हुई है, बाकी और तथ्यों की जाँच की जा रही है। सरकार चाहे लाख दावे करे लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत सुधर नहीं रही। एक तरफ स्मार्ट क्लास बनाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की हालत इतनी दयनीय है कि शिक्षक एक कमरे में ही स्कूल चलाने को मजबूर हैं। अगर यह हालात राजधानी भोपाल का है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे प्रदेश के क्या हाल होंगे। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूल चले अभियान की शुरुआत की है, लेकिन सरकारी स्कूल की हालात अभियान पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। विभाग द्वारा लाख दावे किए जाएं लेकिन शिक्षा का स्तर अभी नहीं सुधर रहा। भोपाल के सिंगारचोली में प्राथमिक शाला स्कूल टूटी फूटी बिल्डिंग में चलने को मजबूर है। स्कूल में एक कमरा है जिसमें 5 शिक्षक और एक कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। सरकार स्मार्ट क्लास की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों को बिठाने तक की व्यवस्था नहीं है। आए दिन एयरपोर्ट रोड से भी वीआईपी का आना जाना होता रहता है। कई बार तो प्रदेश के मुखिया कमलनाथ यहां से गुजर चुके हैं। अब इन बच्चों से ये किया जा रहा है कि नया पूरा प्राथमिक शाला या मिडिल स्कूल जो है, एक तो बरेला में है और एक जो अपना नर्सरी के साइड में राजीव रोजरी के, ये वहां भेज दिया है। ये बच्चों को कौन लेके जाएगा? इतनी दूर यहाँ से 3 किलोमीटर बच्चे पैदल किस तरीके से जाएंगे? इनको कौन छोड़ेगा शाम को? निश्चित रूप से घोर लापरवाही मानूंगा मैं ये इनके। हमारे जहाँ हम शिक्षा पढ़ो लाडली लक्ष्मी योजना फलाना शिक्षा का मार्ग दुनिया की चीजें बात कर रहे हैं, मगर जब हमारी जनरेशन का इनके बच्चों को अच्छे से अगर हम इनको यहीं पे व्यवस्था देना होगी वो देना चाहिए। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्राथमिक शाला स्कूल को तोड़ दिया गया था। अब स्कूल अभी भी टूटे फूटे भवन में लग रही है। साल बीतने के बाद भी इस स्कूल की दिशा दशा नहीं सुधर सकी है। टीचर्स का कहना है कि पिछले साल एक जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई, परंतु उनको किराया भी नहीं दिया गया। बच्चों और टीचर्स के लिए टॉयलेट सहित पानी जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि आंखें बंद कर बैठ गए हैं। आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल इसका जवाब न शिक्षक विभाग दे पा रहे हैं और न प्रशासन। जी हाँ, किराए के भवन दिलवाए गए परंतु किराया प्राप्त नहीं हुआ उसके साथ। सर अभी जब तक आदेश नहीं मिला कुछ नया, तब तक हम लोग ये टूटे भवन में ही बच्चों को बुलाया है। आज उनके पेरेंट्स को भी बुलाया है, देखते हैं क्या करते हैं प्रशासन। पिछले साल तो वो आए थे गणपति लिए, विधायक महोदय आए थे यहाँ इस एरिया के यहीं पर। हाँ, मेरे पास नहीं आए थे वो, तो हमने चुनाव प्रचार करने निकले थे। सर हम लोग एप्लीकेशन जरूर देते रहे पर उस पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पाई। हम लोगों को किराया देते वो या कोई नए स्कूल के लिए कुछ कार्रवाई करते जल्दी बन जाएगा, काम हो गए निश्चित है। जी हाँ, व्यवस्था तो करना थी। कुछ नेता पद और प्रतिष्ठा पाकर अपनी असलियत भूल जाते हैं, वहीं हमारे समाज में ऐसे भी नेता हैं जो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। सांसद चुन्नीलाल साहू संसद से 2 दिन का अवकाश होने पर महासमुंद अपने घर पहुंचे और बारिश हुई देखी तो लग गए खेत जोतने। महासमुंद से सांसद चुने गए चुन्नीलाल साहू ने सदन में शपथ ली और 2 दिन की छुट्टी मिलने पर अपने घर महासमुंद पहुंचे। इस समय छत्तीसगढ़ बारिश की आगोश में है। सांसद चुन्नीलाल ने देखा कि ये समय जुताई के लिए उपयुक्त है तो वे हल लेकर अपने खेत जोतने लग गए। चुन्नीलाल ने चुपचाप हमेशा की तरह अपने खेतों की जुताई की। चुन्नीलाल की जगह कोई और सांसद होता तो इस मौके पर मीडिया को जरूर बुलाता, लेकिन उन्होंने इस काम को हमेशा की तरह चुपचाप किया। उनके परिजनों ने उनके कुछ फोटो ले लिए थे, उसे सांसद चुन्नीलाल ने जरूर शेयर किया। अब ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई
ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, कोई एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रही है आ रही है, मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था वो, हर मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, मैं समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है, मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने तो मैं इधर आ गया बता रहे हूँ, अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचाया, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो बूंद बूंद को तरस गए लोग, और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी हो पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो बता रहे हूँ, ये संभाल के रखो पानी को, वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे बेल्लूर से है ना टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई, ऐसी तो हालत हो जाती है बता रहे हूँ, पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है बता रहे हूँ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं बता रहा हूँ, और हमले तो बढ़ेंगे ही भैया जब पानी कम हो जाएगा, बेचारे कहाँ जाएंगे निकल के, क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ पानी में रहेंगे, तो ये तो अब चल जाए। और भैया अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है बता रहा हूँ, अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है बता रहे हूँ, ऐसे भुनभुरा है इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना वही स्थिति बन रही है बता रहे हूँ, मैंने समझा लो इनको पकड़ लो भैया, हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहतरी गर्मी हो रही है। हाँ भैया खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए बताओ, वो 22 फीट ऊंची दीवार कूद काट के भाग गए, मैं बता रहा हूँ पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है बता रही हूँ, ये तो चल रहा है दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफर हो गया अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफर हुआ था वो पहुँचे, वो भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीबी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी, उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो रुक जाओ मेरा दोबारा फिर से ट्रांसफर हो गया, ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, आप मॉल जा रहे हो सुपर स्टोर जा रहे हो स्कूल जा रहे हो चर्च जा रहे हो वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे और उसमें अपना वोट डाल दो, ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए बता, यह भी बहुत आलसियों की कमी नहीं है बता रही। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई क्रिकेट मैच में, भी नेक टू नेक ऐसा भस गया पसीने छोड़ गए इनके जीतने में बता रही हूँ, हल्के में मत लो भैया किसी को बता रही हूँ, वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कप चल जाए क्या चल जाए, अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं इनको भी हल्के में मत लेना बता रही हूँ, अभी विराट कोहली का फोन आ रहा है हमें मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको, तो भैया नमस्कार मैं जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।